एयरपोर्ट से लापता युवक। खबर कानपुर से है। चकेरी एयरपोर्ट से एक युवक लापता हो गया है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं चल सका पता। परिजनों ने लगाया अपहरण का आरोप। आपको बता दें कि गुमशुदगी के बाद अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज अज्ञात के खिलाफ। पुलिस ने बढ़ाई अपहरण की धारा। पीड़ित मां 3 दिन से बराबर थाना चकेरी के लगा रही थी चक्कर। हरजिंदर नगर चौराहे पर युवक की मिली थी आखिरी लोकेशन। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से लापता है युवक। युवक का नाम स्पर्श जायसवाल बताया जा रहा है। हरजिंदर नगर चौराहे पर युवक की मिली थी आखिरी लोकेशन। 3 दिनों से लापता है युवक और युवक का नाम स्पर्श जायसवाल बताया जा रहा है। खबर कानपुर से। चकेरी एयरपोर्ट से युवक लापता हो गया है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब पता नहीं चल सका तो परिजनों ने अपहरण करने का आरोप लगाया है और युवक का नाम स्पर्श जायसवाल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गुमशुदगी के बाद अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। मित्र संजय जायसवाल और उनकी पत्नी जो हमारी बहन के रूप में है मीरा जायसवाल, इनका पुत्र है लकी, वो बंबई स्पर्श, घर का नाम लकी है वैसे स्पर्श नाम है, वो बंबई से शादी अटेंड करके आ रहा था 1 तारीख को रविवार को। तो वो एयरपोर्ट में लगभग 3:30 बजे करीब निकला और उसके बाद रामा देवी चौराहे तक वो आया। उसके बाद उसका अगवा हो गया। बच्चे से एयरपोर्ट में ही उसकी माँ की बात हुई थी कि हम निकल रहे हैं यहाँ से, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं लगा। आधे घंटे बाद उसका जब मोबाइल मिलाया गया, फोन मिलाया गया, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। देखिए, हमारे संज्ञान में एक मामला आया था कि 1 तारीख को एक लड़का एयरपोर्ट से गायब हो गया है। तो जैसे ही लड़के के परिवार वाले थाने पर आए, हमने गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। उसी दिन शाम को गुमशुदगी दर्ज हो गई थी। उसके बाद हमने टीमें बनाई हैं, हम सर्विलांस की मदद ले रहे हैं, मैनुअली भी काम किया जा रहा है, उसके दोस्तों से और उसके जो CDR में जो नाम आए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। आज उसकी फैमिली ने बताया कि अब वो गुमशुदगी को तरमीम करा के एक FIR करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए FIR भी दर्ज की जा चुकी है। लेकिन काम निरंतर जारी है और जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा उससे आपको अपडेट कराएगा। और इस मामले पर कानपुर से हमारे संवाददाता अमन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमन, अब तक क्या अपडेट्स आई इस लड़के के मामले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बीते 1 तारीख को एक युवक स्पर्श जायसवाल मुंबई से अपने दोस्त की शादी से वापस कानपुर आ रहा था और एयरपोर्ट तक वो आया। उसके बाद आखिरी जो लोकेशन उसकी है वो रामा देवी चौराहे की मिली है। फिलहाल परिजन आई थी, लेकिन क्योंकि 3 दिन बीत गए हैं इसलिए अपहरण में पूरा मुकदमा जो है वो तरमीम कर दिया गया है। कहीं ना कहीं परिजनों ने जो व्यापारी हैं उन्होंने कल देर शाम चकेरी थाने पर हंगामा किया था और आरोप लगाया था कि पुलिस पूरी तरह से इस पूरे मामले में लापरवाह है। जी जी बिल्कुल अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस केस पे जानकारी देने के लिए। कानपुर के फ्लैट से आया, लमसम सारण की थोड़ी मदद कर रही है मगर अभी कोई तत्काल निकाल नहीं पाई है। तो हमारा ये महोदय से अनुरोध